नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड के प्रतिष्ठित अखबारों ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को प्रमुखता से उठाया है। सबसे पहले बात करेंगे सन्मार्ग अखबार की। सन्मार्ग ने अपने पहले पन्ने पे जिस खबर को प्रमुखता से उठाया है, लालू प्रसाद के स्वास्थ्य के बारे में गलत क्यों बोल रहे हैं उनके डॉक्टर। लालू प्रसाद की जाँच रिम्स में नहीं निजी पैथोलॉजी में कराई जा रही है। सन्मार्ग अपने पाठकों के सामने रख रहा दिसंबर 2018 से 13 सितंबर 2019 तक की इनकी जांच रिपोर्ट। कई चिकित्सकों को ओवर रिपोर्टिंग का अंदेशा। और इन सब के बीच एक सवाल निकल के आ रहा है कि क्या जेल जाने से बचाने की हो रही है कोशिश। लालू प्रसाद यादव को उनके जो डॉक्टर हैं, क्या वो उन्हें बचाने के लिए, जेल जाने से बचाने के लिए क्या गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ये हम इसलिए सवाल कर रहे हैं क्योंकि जब सन्मार्ग के रिपोर्टर ने जानने की कोशिश की रिम्स के डॉक्टरों से, तो उनका कुछ अजीबोगरीब बयान सामने आया जो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी। आपको बता दें सबसे पहले कि रिम्स के कॉटेज में भर्ती चारा घोटाले के कई मामलों के अभियुक्त राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की बीमारियों को लेकर क्या भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सवाल है जो सन्मार्ग लाइव की तरफ से, सन्मार्ग अखबार की तरफ से आपसे किया जा रहा है। और क्या इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है ताकि उन्हें वापस बिरसा मुंडा जेल नहीं भेजना पड़े। ऐसे कई सवाल हैं जो जांच में निकल करके सामने आए हैं। और यह सवाल इसलिए उठा है कि लालू प्रसाद की सभी पैथोलॉजिक जांच रिम्स में नहीं कराकर डॉक्टर जेसरन पैथोलॉजिकल लैब बरियातू में कराए गए हैं। और इस बारे में रिम्स अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप ने सन्मार्ग को विरोधाभासी बयान दिए और कहा कि नहीं मालूम जाँच कहाँ कराए जा रहे हैं। किसी निजी लैब में कैदी मरीज की जांच कराने का फैसला या तो रिम्स प्रबंधन या जेल अथॉरिटी का होता है, लेकिन लालू प्रसाद मामले में दोनों ही हाथ खड़े कर रहे हैं। एक तरफ रिम्स अधीक्षक कहते हैं कि उन्हें नहीं मालूम लालू प्रसाद की जांच कहां कराई जा रही है, दूसरी तरफ जेल आईजी दीपक विद्यार्थी कहते हैं कि ऐसे मामले में मेडिकल बोर्ड ही फैसला लेता है कि कहां किस गंभीर कैदी का इलाज कराया जाना है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या निजी लैब में जांच कराने का फैसला रिम्स के मेडिकल बोर्ड का है। अगर ऐसा है तो क्या रिम्स को खुद अपनी ही जांच पर भरोसा नहीं है। बहुत कुछ है जिसकी बारे में सवाल खड़े कर रहे हैं सन्मार्ग ने अपने इस रिपोर्ट के माध्यम से। और 2018 से 13 सितंबर 2019 तक की जांच रिपोर्ट को सन्मार्ग ने अपने इस पन्ने पे प्रमुखता से दिखाने की कोशिश की है और कई सवाल खड़े किए हैं सन्मार्ग अखबार ने अपनी इस जांच के माध्यम से। और सवाल उठाना लाजमी भी है क्योंकि जब रिम्स के डॉक्टरों से इसके बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने जो अजीबोगरीब बयान दिया, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या लालू प्रसाद यादव को बचाने की कोशिश की जा रही है। और इस खबर को सन्मार्ग ने काफ़ी प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पर उठाया है। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, संथाल को झामुमो से मुक्त कराएं रघुवर, डबल इंजन की सरकार बनाएं। एक बार फिर रघुवर दास ने डबल इंजन की सरकार बनाने को लेकर के लोगों से अपील की है और कहा है कि संथाल को झामुमो से बचाएं। और इसके साथ ही संथाल परगना में जोहार जन आशीर्वाद यात्रा का पहला दिन और मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लोगों से अपील की है। और इस खबर को भी सन्मार्ग ने अपने पहले पन्ने पे जगह दी है। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में भाजपा जो है लगातार अपने अभियान चला रही है और इसी के तहत लोगों को एक बार फिर से भाजपा के पक्ष में वोट कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की अपील भाजपा लोगों से कर रही है। अब हम देखेंगे कि सन्मार्ग ने अपने दूसरे पन्ने पे किस खबर को प्रमुखता से उठाया है। तो आप देखिए, हनुमान चालीसा पढ़कर टीवी देखकर अपना दिन बहला रहे हैं लालू प्रसाद यादव। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लालू जी बैठे हुए हैं। और इसके साथ ही एक समय था जब लालू का बोलबाला था बिहार में और अभी वो फिलहाल रिम्स में इलाजरत हैं। और उनका समय जो है वो किस तरीके से कटता है, क्या करते हैं वो अपने खाली समय में, सन्मार्ग लाइव ने इसके बारे में पड़ताल की। और उस पड़ताल में ये सामने आया कि हनुमान चालीसा पढ़कर और टीवी देखकर लालू अपना दिल बहला रहे हैं। रिम्स के कॉटेज में फिलहाल लालू यादव जो हैं वो भर्ती हैं। ऐसे में सन्मार्ग ने लंबे वक्त से रिम्स में लालू प्रसाद की अटेंड करने वाले और उनसे मिलने वाले लोगों से बात की।
तब जाकर उनकी उनकी जो दिनचर्या थी वो स्पष्ट हुई। सन्मार्ग टीम के सामने यह भी सवाल था कि आखिर कैदी लालू प्रसाद के बारे में लिखते हुए किन तकनीकी बातों का ख्याल रखा जाए, लेकिन प्रशासन से अनुमति लेकर लालू प्रसाद से मिलने वाले लोग तो हर दिन मीडिया में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। सन्मार्ग ने भी वही रास्ता चुना ताकि किसी भी कैदी से जुड़े हर नियम का अनुपालन सुनिश्चित हो और पत्रकारिता के साथ एथिक्स का भी पालन हो। उसी आधार पर पाठकों के लिए यह पूरा किस्सा जिसमें एक राजनेता का एकाकीपन भी है और उनका स्वास्थ्य भी है और उनका दर्द भी है, उसे टटोलने की सन्मार्ग अखबार ने कोशिश की है और पूरे नियम कायदे को फॉलो करते हुए सन्मार्ग ने लालू यादव की न्यूज़ की पड़ताल की और जाना उनका दर्द, उनका अकेलापन और इसके साथ ही उनके स्वास्थ्य का हाल। और इस खबर को सन्मार्ग ने दूसरे पन्ने पर प्रमुखता से जगह दी है। आपको बता दें कि इस खबर के बगल में जिस खबर को जगह मिली है, सरकार के जनाकांक्षा आदिवासी व मूलवासी के विरुद्ध काम किया इसलिए खलबली झामुमो। आपको बता दें कि झामुमो ने कहा है कि सरकार ने जनाकांक्षा आदिवासी व मूलवासी के विरुद्ध में काम किया, इसको लेके भाजपा में खलबली है और संथाल में कार्यक्रम है। सीएम कितने हतोत्साहित व डरे हैं उनके बयानों से साफ झलक रहा है। और ये कही है सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और इसके साथ ही सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रघुवर सरकार के 5 साल के कार्यकाल पर जमकर वार किया और कहा कि 5 साल में रघुवर सरकार ने बस जनता को ठगने का काम किया है, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है और अब समय आ गया है कि जनता जो है अपने दिमाग को खोले और झारखंड को भाजपा से मुक्त करे। और इसको लेकर के कई सारे आरोप हैं, वार हैं, जो सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा के लिए किया है। और इस खबर को भी सन्मार्ग ने प्रमुखता से उठाया है। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, विपक्ष को मॉब लिंचिंग पर राजनीति करने का अधिकार नहीं, ये बात की है भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने। और इसके साथ ही लगातार झारखंड में मॉब लिंचिंग की घटनाएं जो हैं बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर वार करते आ रहा है। और इसी को लेकर प्रतुल शाहदेव ने विपक्ष पर मॉब लिंचिंग पर राजनीति करने का अधिकार नहीं है बोल करके उन्होंने वार किया है और कहा है कि मॉब लिंचिंग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर राजनीति होना कहीं से सही नहीं है। और इसके साथ ही प्रतुल शाहदेव ने ऐसा बयान दिया है जिसको सन्मार्ग ने प्रमुखता से दूसरे पन्ने पे जगह दी है। इसके साथ ही इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, हमारी सरकार बनी तो आंगनबाड़ी कर्मियों की मांगे 10 दिनों में पूरी करेंगे डॉक्टर रामेश्वर। आपको बता दें कि कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने लगातार आंदोलन में बैठी आंगनबाड़ी सेविकाओं के सामने जाकर के उन्होंने राजनीति शुरू की है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो 10 दिनों के अंदर आंगनबाड़ी सेविकाओं की जो समस्याएं हैं, जो उनकी मांगे हैं, वो उसे पूर्ण करेंगे। ऐसा कहा है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने। हम रुक करेंगे सन्मार्ग के तीसरे पन्ने का और देखेंगे कि सन्मार्ग ने अपने तीसरे पन्ने पे किस खबर को प्रमुखता से उठाया है। तो भविष्य की राजनीति आज की मुस्कान, एक तस्वीर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, विश्वविद्यालय में वर्ग 3 की नियुक्ति आयोग से होगी राज्यपाल। आपको बता दें कि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राज्य के विश्वविद्यालय कुलपति, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति और इसके साथ ही राज्य दूसरे राज्यों के कुलपतियों के साथ उन्होंने बैठक की और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने, और कई दिशा निर्देश दिए कुलपतियों को। और इस खबर को भी प्रमुखता से सन्मार्ग ने अपने तीसरे पन्ने पे जगह दी है। इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है, बच्चा चोरी की अफवाह में पथराव, 18 पुलिसकर्मी घायल। आपको बता दें कि गोड्डा जिले के में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रानी डी में बच्चा चोरी की अफवाह से उग्र हुई भीड़ के पथराव में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और अंचलाधिकारी समेत करीब 18 पुलिसकर्मी घायल हो गए। और इसके साथ ही इस खबर को जगह मिली है सन्मार्ग के तीसरे पन्ने पे। आपको बता दें कि कांके में मॉब लिंचिंग से बच्चे दो युवक भीड़ के शिकार हो रहे दो युवकों को पुलिस ने बचाया है। और इसके साथ ही 18 पुलिसकर्मी इस घटना में घायल भी हो गए हैं। और इस खबर को भी सन्मार्ग ने प्रमुखता से अपने तीसरे पन्ने पे उठाया है। हम रुक करेंगे अब दैनिक भास्कर का और देखेंगे कि भास्कर ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को प्रमुखता से उठाया है। तो आप देख सकते हैं भास्कर ने यहाँ 3 तस्वीरें शेयर की हैं डॉक्टर अजय की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष
और इसके साथ ही यहाँ तीन तस्वीरें हैं उनके 2010, 2014 और 2019 के तस्वीरों को उन्होंने शेयर किया है दैनिक भास्कर ने। और बाबूलाल मरांडी के साथ एक तस्वीर है, दूसरी तस्वीर जो है वो राहुल गांधी के साथ है और तीसरी तस्वीर जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ है। तो डॉक्टर अजय के कार्यकाल को वक्त के साथ बदलती हुई तस्वीरों को दैनिक भास्कर ने दिखाया है और ये बताया है कि JVM से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले डॉक्टर अजय उसके बाद कांग्रेस में शामिल हुए हैं और कांग्रेस के बाद अब वो फिलहाल आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। और इस खबर को प्रमुखता से भास्कर ने अपने पहले पन्ने पे उठाया है और उनके बदलते कार्यकाल को तस्वीरों के माध्यम से दिखाया है। 2010 से 2019 के बीच उन्होंने कितनी पार्टियों को बदला है, कितनी पार्टियों को ज्वाइन किया है, इसे बताने की दैनिक भास्कर ने कोशिश की है अपने पहले पन्ने पर। इसके साथ ही इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, RU छात्र संघ चुनाव, सिर्फ 26% वोटरों ने ही डाले मत, काउंटिंग होगी आज। आपको बता दें कि रांची यूनिवर्सिटी के में पहले चरण के अप्रत्यक्ष प्रणाली से PG विभाग व कॉलेज समेत 15 शिक्षण संस्थाओं में 72 पदों के लिए गुरुवार को छात्र संघ का चुनाव हुआ और काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव सम्पन्न हुआ और 26% वोटरों ने मत डाले हैं और जिसकी काउंटिंग आज होगी और पता चलेगा कि किस पार्टी की जीत हुई है। और इस खबर को भी दैनिक भास्कर ने जगह दी है अपने पहले पन्ने पे। इस खबर के बगल में जिस खबर को जगह मिली है, चिदंबरम ने तिहाड़ में वजन घटाने पर सप्लीमेंट्री डाइट मांगी, कोर्ट ने हिरासत 14 दिन बढ़ाई, पूर्व मंत्री को ही राहत नहीं पर मेडिकल जांच करा सकेंगे। इस खबर को भी जगह मिली है दैनिक भास्कर के। आपको बता दें कि NINX मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को फिर झटका लगा है और तिहाड़ जेल में बंद चिदंबरम अब 3 अक्टूबर तक वहीं रहेंगे, फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। और इसके साथ ही इस खबर को भी भास्कर ने जगह दी है अपने पहले पन्ने पर। हम रुख करेंगे दूसरे पन्ने का और देखेंगे कि भास्कर ने दूसरे पन्ने पर किस खबर को उठाया है। तो आपको बता दें कि भास्कर ने अपने दूसरे पन्ने पे जिस खबर को जगह दी है, सेंट्रल मॉल के गड्ढे में गिरे सेल्समैन की मौत, गुस्साई भीड़ ने किया जाम, जाम कर रहे लोगों ने प्रबंधन पर कार्रवाई और मुआवजा देने की मांग की, कोतवाली DSP ने दिया कार्रवाई का आश्वासन तो हटा जाम। आपको बता दें कि सेंट्रल मॉल के गड्ढे में गिरने से सेल्समैन की मौत हो गई जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया और इसके साथ ही उन्होंने जाम कर दिया उस इलाके को और जिसके बाद DSP ने कार्रवाई का आश्वासन दिया जिसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ और फिर उन्होंने जाम हटाया। और इस खबर को जगह मिली है दैनिक भास्कर के दूसरे पन्ने पे। इसके साथ ही इस दैनिक भास्कर ने अपने दूसरे पन्ने पर जिस खबर को उठाया है, चैम्बर चुनाव, अब तक की सबसे युवा टीम पदाधिकारियों की औसतन उम्र 42 और अधिकतम 45 वर्ष है। आपको बता दें कि चैम्बर की युवा नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समिति का गुरुवार को गठन हुआ और इसके साथ ही इसमें 35 से अधिकतम 45 वर्ष के पदाधिकारी हैं। कुणाल आजमानी चैम्बर चुनाव में विजयी हुए हैं और उनकी जो टीम है वो बन करके तैयार हुई है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो पदाधिकारी हैं जिनको चुना गया है उनकी उम्र मात्र 42 और अधिकतम 45 वर्ष है, जिस खबर को जगह मिली है दैनिक भास्कर के दूसरे पन्ने पे। और इसके साथ ही कुणाल आजमानी ने अपने पदाधिकारियों के साथ अपना पदभार जो है वो ग्रहण किया पदाधिकारियों के साथ और इस खबर को जगह मिली है दैनिक भास्कर के दूसरे पन्ने पे। चैम्बर चुनाव में के बारे में हम सब जानते ही हैं, कुणाल आजमानी और किशोर मंत्री टीम आमने सामने थी जिसमें कुणाल आजमानी टीम ने बाजी मार करके चुनाव जीत लिया और आज कल उसी मामले को लेकर के उन्होंने अपने पदाधिकारियों के साथ मिलकर के कुणाल आजमानी ने अपना पदभार ग्रहण किया। हम रुक करेंगे दैनिक जागरण का और देखेंगे कि जागरण ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को प्रमुखता से उठाया है। तो आप देख सकते हैं, राजधानी में दिन दहाड़े IAS IPS इंजीनियर व प्रोफेसर के फ्लैट में चोरी हो गई है और इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से उठाया है। आज आप समझ सकते हैं कि लगातार राजधानी रांची में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। आम आदमी तो अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही है लेकिन पुलिस पदाधिकारी भी इस
इन अपराधियों से सुरक्षित नहीं है और आईएएस और आईपीएस व इंजीनियर प्रोफेसर के फ्लैट से चोरी हो गई है। और इस खबर को दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पर उठाया है और ये बताने की कोशिश की है कि जब पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है तो कितना मुश्किल है इन अपराधियों से बचकर आम आदमी को रहना। और इस खबर को भी जगह मिली है दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, राम की खातिर देश की न्याय प्रणाली पर भरोसा रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है और कहा है कि राम मंदिर मामले में चुप ही रहें बयान बहादुर और बड़ बोले लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से लोगों को बोला है कि राम की खातिर देश की न्याय जो प्रणाली है उस पर विश्वास रखें, कोर्ट के फैसले पर विश्वास रखें, कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसे स्वीकारें और इसके साथ ही ऐसा कोई भी बयान ना दे जिससे देश का जो माहौल है वो बिगड़े। और इस बयान के साथ ही प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ये अपील की है कि कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करें। और दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्रमुखता से अपने दैनिक जागरण ने प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पे उठाया है। इसके साथ ही दैनिक जागरण ने अपने दूसरे पन्ने पे जिस खबर को उठाया है, चैम्बर की नई कार्यकारिणी गठित, धीरज तनेजा महासचिव और राम बागड़ा उपाध्यक्ष बने, दीपक मारू ने कुणाल को अध्यक्ष का पदभार सौंपा। चैम्बर चुनाव में जीत के बाद कुणाल आजमानी ने अपना पदभार जो है वो ग्रहण किया है अपने पदाधिकारियों के साथ। और इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से अपने दूसरे पन्ने पे उठाया है और ये बताने की कोशिश की है कि चैम्बर भवन में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में झारखंड चैम्बर के नवनिर्वाचित सदस्य। और दैनिक जागरण ने प्रमुखता से चैम्बर की इस खबर को अपने दूसरे पन्ने पर उठाया है। हम रुक करेंगे प्रभात खबर का। आपको बता दें कि प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर जिस खबर को प्रमुखता से उठाया है, पेट्रोल पंपों को नहीं मिल रही प्रदूषण जांच केंद्र शुरू करने की अनुमति। आपको बता दें कि सर्टिफिकेट के लिए सुबह से ही लाइन में लगते हैं लोग। आपको बता दें कि कई पेट्रोल पंपों का तो विभाग ने निरीक्षण तक नहीं किया। पेट्रोल पंप मालिक प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित करने को लेकर इच्छुक हैं, सहयोग नहीं मिलने के कारण परेशानी हो रही है, 10 दिन के काम में लंबा समय लगाया जा रहा है। और इसके साथ ही प्रदूषण जांच केंद्र की रिपोर्ट रिपोर्ट भेज दी गई है विभाग से। 70 से 75 पंपों में से 35 को लाइसेंस दिया गया है, कुछ का एनएससी डिपॉजिट नहीं था, उन्हें सूचना दे दी गई है। और इस खबर को प्रभात खबर ने प्रमुखता से उठाया है और कहा है कि पेट्रोल पंपों को नहीं मिल रही है जांच प्रदूषण केंद्र जिसकी शुरू करने की अनुमति, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है प्रदूषण जांच केंद्र नहीं शुरू होने की वजह से और काफ़ी छोटे से काम के लिए लंबे समय तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। और इस खबर को प्रभात खबर ने प्रमुखता से उठाया है। इसके साथ ही इस खबर के बगल में एक तस्वीर प्रभात खबर ने दी है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके साथ ही तेजस में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है और उस तस्वीर को उन्होंने दिखाया है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु स्थित HL एयरपोर्ट से तेजस लड़ाकू विमान में गुरुवार को उड़ान भरी। इसके साथ ही वह स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बन गए हैं। और इस खबर को तस्वीरों के माध्यम से प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। इसके साथ ही इस खबर के बगल में जिस खबर को जगह मिली है, दुमका में बांस कारीगर मेला संपन्न, सीएम ने किया ऐलान, दुमका में खुलेगा सेंटर फॉर बंबू टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन संस्थान। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दुमका में बांस कारीगर मेला जो संपन्न हुआ है उसमें उन्होंने ऐलान किया है और इसके साथ ही उन्होंने बोला है कि दुमका में खुलेगा सेंटर फॉर बंबू टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन संस्थान। इस खबर को भी प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर उठाया है। आपको बता दें कि 10 कारीगरों को वियतनाम व चीन भेजेगी सरकार, 5 साल में 20 करोड़ उन्नत प्रभेद के बांस लगाए जाएंगे। और इसके साथ ही इस खबर को प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर उठाया है। हम रुक करेंगे प्रभात खबर के दूसरे पन्ने का और देखेंगे कि दूसरे पन्ने पर प्रभात खबर ने किस खबर को प्रमुखता से उठाया है। तो आपको बता दें कि मॉब लिंचिंग, मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र के धनवारा गाँव के निवासी हैं मामा भांजा। मुसलमान के वेश में पत्थर बेचने वाले मामा भांजे पर बच्चा चोरी का आरोप लगा, लोगों ने की पिटाई। संदिग्ध स्थिति में घूमते हुए दोनों को लोगों ने पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। आरोपियों ने कहा बच्चा चोरी नहीं करते बल्कि पत्थर बेचने का काम करते हैं। और आप देख सकते हैं इस खबर को
प्रभात खबर ने अपने दूसरे पन्ने पे प्रमुखता से उठाया है और इसके साथ ही मुसलमानों के वेश में पत्थर बेचने वाले मामा भांजे को बच्चा चोरी का आरोप लगा, लोगों ने जमकर की पिटाई और इसके साथ ही ग्रामीणों ने विक्षिप्त को पीटा, पुलिस ने बचा कर अस्पताल में भर्ती कराया। आप देख सकते हैं इस खबर को प्रमुखता से प्रभात खबर ने अपने दूसरे पन्ने पे उठाया है और इसके साथ ही बच्चा चोरी करने के नाम पर पिटाई का वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे और बच्चा चोरी करने के आरोप में ग्रामीणों की पिटाई से घायल विक्षिप्त की एक तस्वीर जो है प्रभात खबर ने शेयर की है और इसके साथ ही वीडियो भी काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस खबर को प्रभात खबर ने प्रमुखता से अपने दूसरे पन्ने पर उठाया है। दो अपराधियों ने लूट लिए 2.50 लाख रुपए। गुरुवार को अरगोड़ा चौक स्थित ऑटो स्टैंड के समीप बाइक सवार दो अपराधियों ने 59 वर्षीय मोहम्मद कासिम से 2.50 लाख लूट लिए। विरोध करने पर अपराधियों ने उनके साथ धक्का मुक्की की जिसके कारण वह गिरकर घायल हो गए। आप समझ सकते हैं कि अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ गया है कि दिन दहाड़े रोड में उनकी आपराधिक घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है और इसी सिलसिले में रांची के अरगोड़ा चौक स्थित ऑटो स्टैंड के पास एक व्यक्ति से 2.5 लाख रुपए लूट लिए गए और इस खबर को भी प्रमुखता से प्रभात खबर ने उठाया है अपने दूसरे पन्ने पे। इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है, लाइसेंस शराब दुकानों में बिक रही नकली शराब। आपको बता दें कि ये खबर बड़ी है। राजधानी की लाइसेंस शराब दुकानों में नकली शराब बेचने का मामला सामने आया है। राज्य के कई जिलों में शराब की कालाबाजारी को लेकर छापेमारी हुई और इसी क्रम में साहू चौक पुंदाग में विशाल कुमार नाम की लाइसेंस शराब दुकान में नकली शराब बेचने का मामला सामने आया। आप समझ सकते हैं कि जिन शराब दुकानों को लाइसेंस मिला है उनके पास भी अगर नकली शराब इस तरीके से बेची जा रही है तो ये कितनी बड़ी घटना है। और इसके साथ ही पुलिस ने छापेमारी करके लाइसेंस शराब दुकानों में बिक रही नकली शराब को बरामद किया है और इस खबर को भी प्रभात खबर ने अपने दूसरे पन्ने पर उठाया है। हम रुक करेंगे हिंदुस्तान का और देखेंगे कि हिंदुस्तान ने किस खबर को उठाया है। तो आप देख सकते हैं दुमका में बास पार्क और तकनीकी केंद्र खुलेंगे, ये बयान दिया है मुख्यमंत्री रघुवर दास ने। दुमका में एक कारीगर को बास प्रोसेसिंग यूनिट का उत्पादन स्वीकृति पत्र सौंपते मुख्यमंत्री रघुवर दास और इसके साथ ही तीन बंबू। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बांस उत्पादन और उद्योग में झारखंड आने वाले दिनों में चीन और वियतनाम जैसे देशों को टक्कर देगा ये बात कही है झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने। और दुमका के उस कार्यक्रम में उन्होंने शामिल हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास और उन्होंने कहा है कि दुमका में बांस पार्क और तकनीकी केंद्र खुलेंगे, बड़ा बयान है और इसके साथ ही इस खबर को जगह मिली है हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर। मुख्यमंत्री ने क्या बोला मैं आपको बता देती हूँ। बांस उद्योग में चीन और वियतनाम को टक्कर देगा झारखंड और इसके साथ ही कारीगरों को तकनीक सीखने के लिए चीन और वियतनाम भेजेंगे, ये बात कही है मुख्यमंत्री रघुवर दास ने और हिंदुस्तान ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया है। इस खबर के बगल में जिस खबर को जगह मिली है, मोदी बोले राम के वास्ते सुनवाई होने दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है और कहा है कि कोर्ट पर विश्वास रखें, कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसे स्वीकार करें, हंगामा ना करें, ऐसी कोई बात ना करें जिससे देश का माहौल बिगड़े। उन्होंने लोगों से अपील की है और कहा है कि राम के नाम पर कम से कम आप लोग शांत रहें और कोर्ट का जो काम है वो उन्हें करने दें और कोर्ट के फैसले का विश्वास रखें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, अजय कुमार ने थामा आपका दामन, इस खबर को भी जगह मिली है। आप बता दें कि नई दिल्ली में आप ज्वाइन करने के बाद पत्रकारों से बात करते डॉक्टर अजय कुमार की इस तस्वीर को हिंदुस्तान ने साझा की है और बताया है कि अब डॉक्टर अजय ने आपका दामन थाम लिया है और फिलहाल अब वो आम आदमी पार्टी के नेता बन गए हैं और इस खबर को भी हिंदुस्तान ने जगह दी है अपने पहले पन्ने पे। इस खबर के बगल में जिस खबर को जगह मिली है, दिवाली से पहले कर्ज की सौगात, अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन, चार बैंकों के साथ बैठक के बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने कई राहत दी और कहा कि दिवाली से पहले कर्ज की सौगात, छोटे व्यापारी 6 माह में चुका सकेंगे बकाया कर्ज। आपको बता दें कि गुरुवार को समीक्षा बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस वार्ता करके ये जानकारी दी है और अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन देने का काम उन्होंने किया है और कई अहम फैसले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया और बताया है कि दिवाली से पहले कर्ज की सौगात और इस खबर को हिंदुस्तान ने जगह दी है अपने पहले पन्ने पे।
इसके साथ ही इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है आप देख सकते हैं, धोनी की पत्नी ने बिजली कटौती पर उठाए सवाल, माही रांची पहुंचे। और इसके साथ ही क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी ने रांची में बिजली कटौती पर सवाल उठाया है। गुरुवार को उन्होंने ट्वीट कर कहा कि रांची के लोग हर दिन बिजली कटौती से परेशान हैं, हर दिन 4 से 7 घंटे तक बिजली काटी जा रही है। गुरुवार को शाम 5 बजे साक्षी ने ट्वीट किया, 5 घंटे से बिजली नहीं है, मौसम भी साफ है और कोई त्यौहार भी नहीं है, ऐसे में बिजली कटौती का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है। और इस खबर को भी हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर उठाया है। और इसके साथ ही एक सवाल कि धोनी की पत्नी ने बिजली कटौती पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर हम हिंदुस्तान के दूसरे पन्ने का रुख करें तो आपको बता दें कि दूसरे पन्ने पर हिंदुस्तान ने जिस खबर को उठाया है, डोम टोली में बच्चा चोरी करने पहुंची युवती को महिलाओं ने पीटा। गुरुवार को पुलिस को मामले की जानकारी देते डोम टोली के लोग, आपको बता दें कि आए दिन बच्चा चोरी की घटनाएं जो हैं सामने आ रही है और इसको लेकर के जो लोग हैं वो काफ़ी सतर्क हैं। और इस खबर को हिंदुस्तान ने अपने दूसरे पन्ने पे जगह दी है। आपको बता दें कि नकाब पोश थी युवती और पूरे हाथ में था कटा हुआ निशान, CCTV खंगाल रही है फिलहाल पुलिस। और लोगों ने उस महिला की जमकर पिटाई की, संदिग्ध अवस्था में थी वो महिला जिसको लोगों ने बच्चा चोरी के आरोप में उसकी पिटाई की और उसे फिलहाल पुलिस के हवाले कर दिया है। ये घटना है लोअर बाजार थाना क्षेत्र के डोम टोली में। गुरुवार की दोपहर एक युवती ने बच्चा चोरी करने का प्रयास किया, युवती बच्चा चोरी कर पाती इससे पहले मोहल्ले में मौजूद कुछ महिलाओं की नज़र उस पर पड़ गई, महिलाओं ने युवती की पिटाई कर दी। कुछ देर बाद युवती मौके से फरार हो गई, बाद में डोमा टोली के लोग लोअर बाजार थाना पहुँचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी। मैं आपको बता दूँ कि महिला को संदिग्ध हालत में देख करके लोगों ने उसकी पिटाई की, वो बच्चा चोरी करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उस दौरान वो भीड़ से बचती हुई वो महिला जो फरार हो गई, जिसकी जानकारी इलाके के लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस जो है मामले की पड़ताल में जुट गई है और फिलहाल वो छानबीन कर रही है CCTV फुटेज के माध्यम से। और इस खबर को भी हिंदुस्तान ने अपने दूसरे पन्ने पर उठाया है। रिम्स से भरोसा टूट रहा मैं मरीजों का, हाईकोर्ट, मरीजों को ना बेड मिलता है ना दवा, कोर्ट में याचिका पर हुई सुनवाई। बड़ी खबर है, 3 प्रमुख टिप्पणियां, डॉक्टर मरीजों के प्रति संवेदनशील बने, प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए लॉबिंग से ऊपर उठना होगा, रिम्स को बेहतर बनाना राज्य सरकार की है जिम्मेदारी, सरकार से 3 सवाल, रिम्स को एम्स के समान बनाने की क्या योजना है, प्राइवेट प्रैक्टिस रोकने के लिए निगरानी टीम बनेगी या नहीं, रिम्स में जो विभाग नहीं है उन्हें खोला जाएगा या नहीं। आपको बता दें कि मरीजों को ना बेड मिलता है ना दवा मिलती है, कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई और इसके साथ ही रिम्स से भरोसा टूट रहा है मरीजों का, हाईकोर्ट ने ये बातें कही है। और हाईकोर्ट ने 3 प्रमुख टिप्पणियों को उठाया और इसके साथ ही सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। और इस खबर को भी हिंदुस्तान ने प्रमुखता से अपने दूसरे पन्ने पर उठाया है। रिम्स में आए दिन उसकी व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं, मरीज लगातार सवाल उठाते रहे हैं और इसी को लेकर के हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई हुई और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि रिम्स की व्यवस्था को ठीक करे, ये बात हाईकोर्ट में कही गई है। और इसके साथ ही सवाल सरकार से 3 सवाल भी किए गए हैं, जिस खबर को हिंदुस्तान ने प्रमुखता से अपने दूसरे पन्ने पे उठाया है। जी तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।